भाजपा ओबीसी महामोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रतापगढ़ से सांसद सुंदरलाल गुप्ता नागपुर में कार्यक्रम के लिए आए, जिस दौरान उन्होंने ओबीसी महामोर्चा के कार्यकर्ताओं को भेंट दी। वहीं इस वक्त राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओबीसी आरक्षण को लेकर निवेदन किया कि ओबीसी को न्याय और हक दिलाने की प्रयास करें। ओबीसी आरक्षण को लेकर निवेदन में देश के 60% ओबीसी लोगों को आरक्षण और उनका हक मिले ऐसी मांग की गई। वहीं प्रतापगढ़ के सांसद को ये मुद्दा उठाने की अपील की। वहीं सरमियान भाजपा ओबीसी महामोर्चा के मंत्री ने भी सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द कोई निर्णय निकालने का आश्वासन दिया। जय ओबीसी। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा के महामंत्री आदरणीय मेरे मित्रवर मेरे स्वजातीय बंधु उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से सांसद आज नागपुर पार्टी के कार्यक्रम से नागपुर में आए थे। उन्होंने हमारे निवास स्थान पे सदिच्छा भेंट दी और राष्ट्रीय ओबीसी युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से उनको एक निवेदन दिया और हमने उनसे गुजारिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और केंद्र में आप सांसद है, आपने संसद में जो ओबीसी देश का 60% ओबीसी है उनकी जो मांगे है उनको जो 27% आरक्षण राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पा रहा है और आपकी केंद्र में सरकार है तो आप वहाँ पर ये मुद्दा जरूर संसद में उठाइए और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इनसे भी हमने विनती की कि आप भी उनके साथ में चर्चा करके ये देश में जो 60% ओबीसी समुदाय है जिनकी न्याय और हक की लड़ाई राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से लड़ी जा रही है आप भी इसका साथ दीजिए और ओबीसी को न्याय और हक दिलाने के लिए आप प्रयास करें, ऐसा हमने उनको निवेदन दिया है। और जो भी हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से जो हमारी मांगे है वो सब मांगे वो निवेदन के अंदर में दी है। केंद्र शासन और राज्य शासन से भी संबंधित है, हमने केंद्र शासन के संबंधित जो मांगे थी वो उनको दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम इसके ऊपर में गौर करते हैं और ओबीसी ही नहीं तो माइक्रो ओबीसी को ही भारतीय जनता पार्टी न्याय दिलाने के हक में और पक्ष में है, ऐसा उन्होंने हमारे से आश्वस्त किया। और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द ओबीसी मंत्रालय और जो ओबीसी की मांगे है वो मांगों के ऊपर में सदन में इसके ऊपर में चर्चा करने का हमें आश्वासन दिया। देखिए ओबीसी समाज को पूरे देश में चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, आज़ादी के 70 साल के बाद इस देश में कांग्रेस ने राज किया और कभी ओबीसी समाज को पूछा नहीं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद जब से उन्होंने इस देश की बागडोर संभाला ओबीसी समाज को सम्मान और जहां भी हमारी सरकारें बनी हैं चाहे उत्तर प्रदेश का ले लीजिए चाहे केंद्र की सरकार, तो समाज के हर तबके को जैसे एक गुलदस्ते में हर तरह का फूल होता है और तब जाके वो गुलदस्ता की सुंदरता बढ़ती है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लोगों को एक गुलदस्ते में हर तरह के फूल को सजाती है और तब जाके भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में सरकार बनाती है। तो हर समाज को लेके चलने का काम भारतीय जनता पार्टी है और हर समाज का सम्मान हर समाज के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व देना सरकार में भागीदारी देना और उनको सम्मान देना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है। अभी जो हमको निवेदन दिया गया है हम उसमें देखेंगे क्योंकि हमारी सरकार भारत सरकार ओबीसी जो मंत्रालय है बहुत सारी योजनाएं उसमें चलाई जाती हैं शिक्षा के क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है कि शोषित वंचित समाज जो है उसको उत्थान कैसे हो उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए और जहाँ भी जिस समाज के लिए जो समस्याएं होंगी
ओबीसी समाज के बहुत सारी समाज ऐसे हैं कि आज जो वंचित हैं उनको जोड़कर भारतीय जनता पार्टी, इसी के लिए ओबीसी मोर्चा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद ही ओबीसी मोर्चा 2015 में गठन हुआ और ओबीसी मोर्चा पूरे देश में काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा समाज है ओबीसी का जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। तो ओबीसी का महत्व, ओबीसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान भी बढ़ रहा है और ओबीसी का नेतृत्व भी बढ़ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के सभी नेता ओबीसी की तरफ से बोलते हैं पर लव यू दीपिका बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।